Good morning, student. This is our first poem, The Aunt and the Cricket, which is from Honeydew for class 8th So let's see. And uh, the aunt means and the cricket. Cricket means jingur. So uh, firstly, uh, before starting the poem, we will uh, read its uh, some description is given here. We will read it. A fable is a story, often with animals as character. दैट convey आ मॉरल Fables क्या होती हैं देखिए फैबल जो होती है वो एक प्रकार की कहानी होती है जो ऑफन मतलब अक्सर जो जानवरों के करेक्टर्स पे बनाई जाती हैं और कुछ ना कुछ जो हमें मॉरल यानी कुछ ना कुछ उससे हमें मॉरल मिलता है उस उनसे वो उस टाइप की स्टोरीज होती हैं दिस पोएम अबाउट एन आंट इन क्रिकेट कंटेन एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस विच इज़ अस ट्रू ऑफ़ आ फोर लैक्ड क्रिकेट एज ऑफ आ टू लैगड वंस इट मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये पोएम है वो जो आंट और क्रिकेट यानी झिंगूर के बारे में है इस ये हमें एक ऐसा आइडिया यानी ऐसा मतलब ये हमें एक ऐसा आइडिया देती है और जो ये ये काफ़ी ये क्या है ये पोएम एक सिग्निफिकेंट है ऐसे ये सिंबॉलिकल symbolical, इसमें सिंबॉलिकली बोला गया है ह्यूमस क्ले यानी कि एक तो चार चार पैर वाले यहाँ पे जो लेग इसमें बताया गया फोर लैग्ड क्रिकेट होते हैं और एक होते हैं टू लेग्ड टू लेग्ड वन का मतलब यहाँ पे ये ह्यूमन क्ले रिफ़र करा गया है कि उसकी कंपेयर जो करी गई है क्रिकेट की वो ह्यूमन से की गई है अब देखते हैं पहले हम तो ये तभी समझेंगे जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स और uh, आपने ज़रूर uh, ऐसा झिंगूर मतलब आपने झिंगूर देखा होगा जिसके सिर्फ टू लेग्स होते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को अ सिली यंग क्रिकेट अ कस्टम टू सिंग the warm सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग बिगेन टू कम्प्लेन वैन ही फाउंड दैट एट होम हिस्स कबर्ट वॉज एमटी एंड विंटर वॉज कम इस मीन्स यहाँ पर बताया गया है कि एक सीली क्रिकेट होता है यानी एक बेवकूफ़ झिंगूर होता है अकस्ट, अकस्टम टू सिंग मतलब जैसे गाने गाने की आदत होती है और वो क्या करता है थ्रो द वम सनी मान्थ यानी सारी गर्मी में यानी जब गर्मियाँ थी सूरज आया कर आया करता था तब वो पूरा टाइम क्या करता था गाना गाता था ठीक है बिगेन टू अ कम्प्लेन बिगेन टू सॉरी कंप्लेन वैन ही फाउंड दैट एट होम लेकिन उसने कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना लेकिन उसने शिकायत करना शुरू कर दिया था जब उसने देखा कि उसकी जो कबर्ड है यानी अलमारी है वॉज एम टी एम टी मतलब होता है खाली कि उसकी अलमारी में खाने को कुछ भी नहीं है उसकी जो अलमारी है वो खाली पड़ी हुई है एंड विंटर वॉज कम और जाड़े जो थे वो आ गए थे नॉट क्रम टू बी फाउंड क्रम मतलब होता है कि ना खाने का कुछ भी छोटा टुकड़ा यानी पीस ऑफ ब्रेड कह सकते हैं हम ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड और जो पूरी जो बर्फ थी ग्राउंड था वो पूरी स्नो से क्या था कवर यानी भर चुका था ढक चुका था नॉट अ फ्लावर कुड ही सी कोई भी फ्लावर तक वो नहीं देख पा रहा था नॉट अ लीव ऑन ट्री और ना ही उसे कोई भी पेड़ पेड़ों पे कोई भी पत्ती दिखाई दे रही थी ओ वाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी अब अब क्रिकेट ने कहा कि वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट यानी अब जो क्रिकेट था ना वो थोड़ा सा परेशान हो गया और वो उसे भूख से मतलब उसे उसे ये हुआ कि अब तो उसे मतलब भूख से मरना पड़ेगा यानी वो कहने लगा कि अब क्या होगा एट लास्ट बाय स्टार एंड एंड फैमिन मेट बोल्ड लास्ट में मतलब जब उसे बिल्कुल सहन नहीं हुई भी भूख तो उसकी भूख ने उसको क्या बना दिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया बोल्ड बना दिया लास्ट में मतलब क्या हुआ जब फैमिन मतलब होता है भूख से मरना है ना भूख से मरना और लास्ट में उस टावेशन भी भूख होता है उससे मतलब वो ज़्यादा सहन नहीं कर पाया तो वो उसे बाहर निकला और उसने मतलब ऑल ट्रिपिंग विद वैट एंड ऑल टम्बलिंग विद कोल्ड अब उसने क्या करा मतलब कि वो ठंड में ठुर ठुरते हुए ट्राम्बलिंग विद कोल्ड मतलब ठुरते हुए गया कहाँ अवे ही सेट ऑफ टू आ मजरी आंट मतलब उसने सोचा कि मैं जाकर क्या करता हूँ चीटियों के पास जाता हूँ और कुछ उनसे थोड़ी मदद के लिए बोलता हूँ अवे ही सेट ऑफ टू आमाइजरी आंट जब वो जैसे ही जो था वो चीटियों के पास अमाइरी मतलब होता है कंजूस उन चीटियों के पास गया तो और उनसे कहा उनसे उसने कहा कि मतलब थोड़ी सी तुम मेरी मदद कर दो और आ, फिर उसने कहा टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट उसने कहा कि देखो मुझे थोड़ा सा मतलब ज़िंदा रहने के लिए थोड़ा सा मुझे आ, थोड़ा कुछ खाने का खाने के लिए दे दो ताकि आ, मैं क्या कर सकूँ थोड़ा सा जीवित रह सकूँ और ही वुड ग्रांट मतलब वो चीज वो क्या करता है आ, इसको वापस भी करेगा ग्रांट उसने मतलब उसे वो करा क्या करा कि वुड ग्रान हिम शेल्टर फ्रॉम रेन मतलब उस उसने उसने कहा कि मतलब मुझे थोड़ा आ, बारिश से बचने के लिए थोड़ी सी जगह एंड अ माउथ माउथफुल ऑफ ग्रेन और खाने के लिए थोड़ा सा खाने के लिए कुछ दे दें ही विश ओनली टू बोरो उसने सिर्फ ये विश करी कि मैं सिर्फ उधार ले रहा हूँ बोरो का मतलब होता है उधार मांगना उसने सिर्फ कहा कि मैं आप तुमसे सिर्फ़ उधार मांग रहा हूँ एंड ही एडपे इट टमोरो और कल तक वो इसको क्या करेगा तुम्हारे जो ये उद्धार में मांग रहा हूँ मैं तुमको इसे आपको वापस कर दूँगा। उसने ये बोला किससे? उन चीटियों से If not he must die of starvation and sorrow। उसने कहा अगर तुम मेरी हेल्प हाँ नहीं करोगी या फिर आप लोग मुझे खाने को नहीं दोगे तो मैं तो क्या कहते भूख से और इसी दुख से क्या हो जाऊँगा मर जाऊँगा आ देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि वो जाता है और चीटियों से बोलता है चीटियाँ जो होती हैं आपने अपने अपने से निकल के उन्हें क्या आंसर देती है यहाँ पे देखते हैं से इज़ द आंट टू द क्रिकेट यानी आंट जो है वो क्रिकेट से कहती हैं उस झिंगूर से कहती हैं आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड कि मैं तुम्हारी नौकर भी हूँ हम लोग और तुम्हारे दोस्त भी हैं बट वी आंट्स नेवर बोरो वी आंस नेवरलैंड तो उन चीटियों ने क्या कहा कि ना तो हम चीटियाँ कभी किसी से उधार लेती हैं और ना ही हम उधार देते हैं कभी भी किसी को ना उधार लेती हूँ मैं कि हम लोग किसी से और ना ही हम किसी को देते हैं बट टेलमी डेयर क्रिकेट और उसने उनमें से एक चीटी ने बोला उन्होंने उनमें से कि लेकिन डेयर क्रिकेट तुम मुझे ये बताओ डिड यू ले नथिंग बाय when the weather was warm, वॉज the क्रिकेट्स not I. तब उन चीटियों ने कहा लेकिन तुम मुझे ये बताओ क्रिकेट कि क्या जब गर्मियाँ वेदर अच्छा था यानी गर्म था सूरज जो था वो निकला हुआ था तब क्या तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया तुमने उस समय नहीं सोचा कि मैं कैसे अपने विंटर को काटूंगा जब मेरे पास खाने को नहीं होगा तुम तो सारा दिन बस गाते रहते थे है ना गाना गुनगुनाते रहते थे द, आ, आ, क्रिकेट अब क्रिकेट ने उसका जो उत्तर था वो दिया नॉट आई नहीं मैंने ऐसा नहीं किया माई हार्ट वॉज सो लाइट मेरा जो उस समय हर्ट हर था मेरा जो उस समय क्योंकि क्यों क्यों वेदर इतना अच्छा था माई हर्ट वो लाइट मेरा जो हर्ट था दिल था वो बहुत ही हल्का था दट आई सेंग डे एंड नाइट और मुझे वेदर इतना अच्छा लगा कि मैं सारा दिन सिर्फ गाना गाने में लगा रहा दिन रात गाना गाता था फॉर ऑल नेचर लुकड गे और जो सारा जो नेचर था उसको मैं मतलब उसके मजा लेता था आनंद ले रहा था यू सेंग सर यू से और मतलब यू गो दैन एंड से द आंट एंड डांस द वट अवे अब उनमें से उनमें चीटी ने कहा यू सैन तुम गाते रहे सर यू से तुमने ऐसा कहा कि तुम सारा दिन गाते रहे तो अब उनमें से चीटियों ने कहा गो देन अब तो तुम अब जाओ यहाँ से एंड द दिन अवे और अब सारे विंटर पर क्या करो नाच करते रहो ही हिस्सली लिफ्टेड विकेट अब अब ऐसा जब अब ये सारी चीज़ें जब चीटियों ने कहा तो उसको बहुत ही बुरा लगा और उसने क्या करा अपना जो विकेट होता है ना जो पहन उसके मतलब जो उसकी ऊपर की कवर होती है झिंगूर की जो कवर होता है उसको उठा के वो क्या करा उसने लिफ्टेड उठाया और जल्दी वाली वहाँ से चला गया क्योंकि चिड़ियों से इतना कुछ सुना दिया था एंड आउट ऑफ द डोर टर्न पुअर लिटिल क्रिकेट और उस छोट मतलब उसने क्या किया वहाँ दरवाजे से बाहर आया और बेचारा जो क्रिकेट था वहाँ से चला गया फोक्स कॉल दिसबल आई विल वॉन्ट इट्स ट्री यू फोक्स कॉल दिसबल्स यानी अब वो कह रहे हैं कि जो ये लोग हैं इसे एक स्टोरी कहते हैं लोग कहते हैं कि ये एक कहानी है और क्या है कि हम और मगर पोएट कहते हैं कि मैं क्या मानता हूँ उसे आई वॉन्ट ट्रू सम क्रिकेट्स हैव फोर लैक्स एंड सम हैव टू इसका मतलब पोइट ये कहता है कि मैं मैं क्या मानता हूँ मैं ये ये मानता हूँ कि ये सच है कि इन्होंने उन्होंने ये क्या इन्होंने इशारा कराया कि जो जो कुछ जो क्रिकेट होते हैं उनके क्या होते हैं कुछ कुछ के दो लेग्स होते हैं और कुछ के क्या होते हैं चार लेग्स होते हैं अब पोएट ने ऐसा कहा है कि जो चार लेग्स वाले ह्यूमंस होते हैं उन्होंने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा है कि कुछ लोग अब क्या होते हैं ऐसे होते हैं जो अपने फ्यूचर के लिए कोई प्रिपरेशन करके नहीं चलते हैं जैसे कि इस क्रिकेट ने किया था जैसे कि इस झिंगूर ने किया था कि उसने क्या कह रहा कि गर्मी भर सारा सिंग करते गया मतलब अच्छा लगता था उसे दिन भर गाना और लेटे रहना गाना गाना तो क्या हुआ लास्ट में उसके लिए और चीटियाँ जो थी उस समय मेहनत करती थी खाना जुटाती थी लेकिन जो ये क्रिकेट था उसने सिर्फ इन्जॉय किया उसने आने वाले समय के लिए नहीं सोचा कि विंटर में वो कैसे अकेले रहेगा कैसे खाएगा तो आज क्या हुआ इसलिए जो ये हमारी जो ये फेबल है यानी जो अगर हम इसे जो पोएट कह रहे हैं कि इसे ह्यूमन की ओर इन्होंने इस, आ, इशारा करते हुए बोला है कि कुछ लोग इस झिंगूर की तरह भी होते हैं वो बस दो पैर वाले होते हैं और वो क्या करते हैं वो ऐसे ही होते हैं कुछ लोग जो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच के चलते हैं और वो क्या करते हैं प्रिपरेशन नहीं करते हैं और लास्ट में फिर उन्हें क्या करना पड़ता है पछताना पड़ता है सो माई डियर स्टूडेंट दिस पोएम इज़ कम्प्लीटेड और ये पोएम को भी आप मैं बताऊंगी कि आप कैसे आपको अपनी कॉपी में करना है और इसके बाद टमोरो वी आर गोइंग टू डू इट्स वर्ड मीनिंग्स एंड रिलेटेड टू इट्स क्वेश्चन आंसर वी वी विल डू इट इन द कॉपीज और आई विल एक्सप्लेन इट ऑल्सो ओके तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और इस पोएम को लर्न करिए उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसे फाइंड आउट करिए उसे अंडरलाइन करके उनकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स फाइंड आउट करिए और रिगार्डिंग इस चैप्टर कोई आपकी क्वेरी